वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको चंद एक्सरसाइजेज बता रहे हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हैं। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने नाखूनों के साथ करनी है और ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है और आपके जो है फेस पे ग्लो लाती है और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। ये आपके जो सर में सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से बाल गिरने भी बंद हो जाते हैं और बाल आपके बढ़ने लगते हैं और बालों पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, आपने नाखूनों को इस तरीके से रगड़ना है। ये एक्सरसाइज आपने दिन में 3 दफ़ा करनी है 5 से 6 मिनट के लिए। पहले 1 से 2 मिनट एक हाथ के नाखूनों को आपने रगड़ना है, उसके बाद फिर दूसरे हाथ के नाखूनों को रगड़ना है। ये आपने जो प्रोसेस है तकरीबन 5 मिनट तक बैठ के करना है। तो आप देखें, चंद दफ़ा करेंगे तो आपको खुद फर्क महसूस होगा कि आपकी हेयर फॉलिंग जो है वो एकदम से रुक जाएगी और आपके बाल जो है एकदम से उसमें शाइनिंग भी आ जाएगी। तो ये आप एक योगा की एक्सरसाइज है, बड़ा अहम मुद्रा है ये और आप ये ज़रूर करें। ये देखिए नाजरीन, ये योगा की एक्सरसाइज नंबर 2 है। ये आपने इस पोजीशन में बैठना है, ये शुगर वालों के लिए है। ये भी आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा बैठ करनी है और आपने जो है इसमें इस पोजीशन में बैठ के अपने फिंगर्स को मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। हाथ आगे लाए, ये देखें बीच की 2 उंगलियाँ और थंब को मिला के आपने बैठना है इस तरीके से। और ये आपने दिन में जब भी आपको टाइम मिले इसको आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं है या इस चीज़ की भी पाबंदी नहीं है कि आपने कुछ खा रखा हो या खाली पेट हो या भरा हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन खाली पेट होगा तो ज़्यादा अच्छा असर आएगा। तो ये आप ज़रूर करें, ये शुगर के लिए है और इससे डायबिटिक कंट्रोल में रहती है और जो आपको मेडिसिन है ऐसे ऐसे करके इंशाल्लाह छूट जाएंगी जब आप ये शुरू करेंगे। तो नाज़रीन, ये है एक्सरसाइज नंबर 3। ये आपने सुबह सुबह अपने बिस्तर पे लेटे लेटे इस तरीके से हाथों को रगड़ना है अपने, और फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे पे के ऊपर लगाना है। ये आपने कम से कम 4 से 5 दफ़ा करना है। ये आपने बिस्तर पे लेटे लेटे करना है क्योंकि जो सुबह सुबह आपके हाथों से रेस निकलती है ना, ये आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती हैं और आपके चेहरे पर जो फाइन लाइन्स होती हैं, रिंकल्स होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और आपका जो चेहरा है वो एकदम से ग्लो करने लगता है। और ये बहुत बड़ी एंटी एजिंग एक्सरसाइज है और आप एकदम से यंग लगने लगते हैं। ये आप डेली सुबह उठ के करें। तो नाज़रीन, और एक ये एक्सरसाइज नंबर 4 है, ये जो है डबल चिन को ख़त्म करने के लिए है। तो ये देखें आप, इस तरीके से आपने अपनी गर्दन को रखना है और आप आसमान की तरफ देख के ऐसे फूंके मारें और इससे आपको खुद स्ट्रेस फील होगा अपनी गर्दन में और चेहरे पे, और चंद ही दिनों में आपकी जब डबल चिन है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। नाज़रीन, ये एक एक्सरसाइज है ब्लड प्रेशर के लिए। तो जिनका जो हमारा राइट नोस्ट्रिल है ये सूरज को रिप्रेजेंट करता है और जो लेफ़्ट है ये मून को करता है। मून ठंडा होता है और सूरज गर्म। अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है तो आपने अपना जो है राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ़्ट से इनहेल एक्सहेल करना है इस तरीके से। इन्होंने अपना राइट नोस्ट्रिल को बंद किया हुआ है और ये लेफ़्ट साइड से इनहेल एक्सहेल कर रही है। इस पोजीशन में 8 से 10 मिनट तक आपने आहिस्ता आहिस्ता इनहेल और एक्सहेल करना है और थोड़ी देर में आपको खुद फील होगा कि आप जो हैं रिलैक्स हो गए और आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया, तकरीबन नीचे आ गया है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट वाले को बंद कर लेना है और राइट से इनहेल एक्सहेल करना है आपने। और ये भी तकरीबन आपने 8 से 10 मिनट करना है और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपका जो लो ब्लड प्रेशर था वो नॉर्मल हो जाएगा। ये मेडिटेशन की एक्सरसाइज आप दिन में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। एक दफ़ा सुबह कर ली, एक दफ़ा शाम में कर ली, एक दफ़ा सोने से पहले कर ली, तो आप देखें इंशाल्लाह आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी ब्लड प्रेशर की। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइजेज नाज़रीन, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।